नमस्कार, मैं अर्जुन रावत और स्वागत है आपका स्टार्ट इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे दो क्वालिटी स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में। दोस्तों, जो लोग नए हैं इस चैनल पे और जिन लोगों ने इस सीरीज का पार्ट वन नहीं देखा है, उन लोगों के लिए हमने पार्ट वन का जो वीडियो का लिंक था वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है दोस्तों, वहां से वो लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम दो क्वालिटी स्मॉल कैप के बारे में बात करेंगे। जिस तरह से हमने प्रीवियस पार्ट में, जो उसका पार्ट वन था, उसमें जिस तरह से हमने बात की थी, उसी तरह से इसमें भी हमने दो स्टॉक को चूज किया है जिन्होंने कि पिछले 5 सालों में अपने शेयर होल्डर को काफी हैंडसम रिटर्न दिए हैं दोस्तों। अगर दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जिससे क्या होगा दोस्तों कि आप लोगों तक शेयर मार्केट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहेंगी। और दूसरा बेनिफिट हम लोगों को होगा दोस्तों कि हम लोगों को इनकरेजमेंट मिलेगा आप लोगों तक नई नई वीडियोज और नई नई इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, क्वालिटी स्मॉल कैप स्टॉक्स टू इन्वेस्ट पार्ट टू। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मैंने इस वीडियो में ऐड किया है दोस्तों स्टॉक को, वो है दोस्तों KRBL लिमिटेड। ये कौन सी इंडस्ट्री में काम करता है दोस्तों? जनरली ये बहुत ही छोटा स्टॉक है, बहुत ही स्मॉल स्टॉक है, स्मॉल कंपनी है। ये काम करता है दोस्तों, ये एक राइस मिलर है और बासमती राइस का एक्सपोर्टर है दोस्तों। दो फील्ड में काम करता है, एक एग्री फील्ड में काम करता है यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड में, जहां पे कि ये राइस, कॉटन, सीड, ब्रैन ऑयल इनका एक्सपोर्ट करता है, इनकी मिलिंग करता है दोस्तों। और दूसरा दोस्तों एनर्जी फील्ड में काम करता है, वहां पे ये पावर जनरेशन करता है विंड टर्बाइन से। तो चलिए दोस्तों इसका फाइनेंशियल डेटा देख लेते हैं। सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों इसका 3,703 करोड़ रुपए से ऊपर का। प्राइस टू अर्निंग रेशियो सिंगल डिजिट में चल रहा है दोस्तों, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है, 6.78 है ओनली। करंट प्राइस चल रहा है दोस्तों 157 रुपीज पर इक्विटी शेयर। ROCE इसने मेंटेन किया है दोस्तों 20.8% का, और पिछले 3 सालों में इसी तरह से इसने ROCE मेंटेन करके रखा है दोस्तों। 52 वीक का हाई इसने बनाया था दोस्तों 365 का, और 52 वीक का लो बनाया है 91 रुपीज का। तो ये मान सकते हैं कि अपने लो से भी काफी ऊपर यह अभी निकल गया है दोस्तों। यहाँ पे अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है जब थोड़ा सा इसमें और करेक्शन हो दोस्तों। ROE इसने मेंटेन किया है दोस्तों 20.1% का, और डिविडेंड यील्ड इसने दी है दोस्तों 0.74% की। मेरा थ्रेशोल्ड है दोस्तों 1% का, उससे थोड़ा सा नीचे है, लेकिन सही है दोस्तों, स्मॉल कैप कंपनी है, यहाँ पे चांस लिया जा सकता है। EPS इसका है दोस्तों 23.2 का। स्मॉल कैप कंपनी और उसका अर्निंग पर शेयर दोस्तों अगर 20 से ऊपर का है तो काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे उसको माना जाएगा दोस्तों। तो ये तो था दोस्तों इसका फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल हेल्थ की किस तरह की इसकी अर्निंग्स रही है प्रीवियस ईयर में, और साथ ही साथ ये कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रही है ये मैंने आपको अभी तक बताया। अब ये देख लेते हैं दोस्तों कि पिछला जो ट्रेडिंग डे था यानी कि 3 अप्रैल 2020, उस दिन कितनी क्वांटिटी इसकी ट्रेड हुई थी और कितनी डिलीवरी परसेंटेज लोगों ने उठाया था दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों 6,45,735 शेयर की ट्रेड हुई थी, टोटल क्वांटिटी में ट्रेड हुए थे, और डिलीवरी उसमें हुई थी दोस्तों 4,42,531 शेयर की, जिसमें से कि डिलीवरी का जो परसेंटेज था 68.53% की डिलीवरी उठाई गई दोस्तों, जो कि एक बहुत हाई परसेंटेज माना जाएगा दोस्तों। ऑलमोस्ट 50% से अगर किसी भी शेयर की डिलीवरी उठाई जा रही है यानी कि वो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, और सारे इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि इन स्टॉक्स से यहाँ पे फायदा उठाया जाए दोस्तों। तो ये तो रहा दोस्तों इसकी ट्रेडेड क्वांटिटी का। अब देख लेते हैं कि पिछले 5 सालों में उसने किस तरह के रिटर्न्स दिए हैं अपने शेयर होल्डर को। 5 साल पहले दोस्तों यानी कि 2015 में ये ट्रेड कर रहा था 200 से नीचे, लगभग 190 के करीब दोस्तों। और 2018 के शुरुआत में, जनवरी फरवरी में देखिए दोस्तों, इसने अपना हाई बनाया था 600 रुपए के ऊपर दोस्तों। तो अगर आप मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ इसको 200 रुपए भी मान लेते हैं और इसको 600 भी मानते हैं, तो लगभग 3 गुना हो गया। और एग्जैक्टली दोस्तों अगर देख लेते हैं इसको, तो 2015 से लेकर 2018 तक इसने 3.5 गुना कर दिया था अपने शेयर होल्डर के पैसों को, यानी कि 350% के रिटर्न दिए थे दोस्तों।
अगर किसी इन्वेस्टर ने 2015 में इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो 2018 जनवरी के शुरुआत में या जनवरी के एंड तक उसको मिल गए होते दोस्तों कितने, 3.5 लाख रुपए। तो 3 साल में 3.5 गुना करना दोस्तों पैसों को बहुत बड़ी बात है। ऐसा जो रिटर्न है केवल स्मॉल कैप ही दे सकते हैं दोस्तों, और उसमें से भी जो बहुत अच्छे स्मॉल कैप होंगे वही इतने अच्छा रिटर्न देंगे दोस्तों। तो ये तो रही दोस्तों 2015 से 2018 की बात, जब स्मॉल कैप का पीक टाइम चल रहा था। लेकिन 2018 के बाद दोस्तों धीरे धीरे स्मॉल कैप में गिरावट शुरू हुई और इस स्टॉक में भी गिरावट शुरू हुई दोस्तों। और अभी ये स्टॉक पहुंच गया यहां पे दोस्तों, करंट प्राइस कहां पे, 157 पे दोस्तों। यानी कि अगर देखा जाए 5 साल पहले से तो इसने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, लेकिन वहीं बात की जाए दोस्तों पूरी स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज की, तो स्मॉल कैप इंडस्ट्री ने 2018 से लेकर अभी तक नेगेटिव रिटर्न ही दिए हैं दोस्तों। तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि लगभग 2 साल हो गए जब से कि 2018 से पिट रहे हैं हमारे स्मॉल कैप, और मेरा ये मानना है कि जब स्मॉल कैप में रिकवरी आएगी तो ये ऐसे स्टॉक हैं दोस्तों जहां पे कि बहुत अच्छा रिटर्न ये अपने शेयर होल्डर को देंगे दोस्तों। ये ऐसे स्टॉक्स हैं कि आपके लिए मल्टीबैगर बन सकते हैं दोस्तों। तो ये तो रहा दोस्तों हमारा पहला स्टॉक जो इस लिस्ट में ऐड किया था, KRBL लिमिटेड, जो कि एक राइस मिलर है और बासमती राइस का एक्सपोर्टर है, साथ ही साथ एनर्जी फील्ड में भी काम करता है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जो कि माजदा लिमिटेड है। एक चीज बता देना चाहता हूं दोस्तों, एक दूसरी कंपनी भी है माजदा प्रॉपर्टीज लिमिटेड, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जो मैं आपको ये कंपनी बता रहा हूं ये है माजदा लिमिटेड दोस्तों। तो ये कंपनी काम करती है दोस्तों इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज इक्विपमेंट फील्ड में, यानी कि इंजीनियरिंग इक्विपमेंट बनाती है दोस्तों, ये इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाती है। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं दोस्तों इसके, जैसे कि वैक्यूम सिस्टम्स बनाती है, कंट्रोल वाल्व्स बनाती है, सेफ्टी वाल्व्स, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व्स बनाती है दोस्तों। और जितने भी ये प्रोडक्ट है दोस्तों ये कहाँ पे यूज में आते हैं वो इंडस्ट्री में आपको बता देता हूँ। जैसे न्यूक्लियर इंडस्ट्री है, एटॉमिक इंडस्ट्री है, और यूटिलिटी एंड प्रोसेस सेक्टर, जहां पे भी दोस्तों जैसे मेनली न्यूक्लियर और एटॉमिक फील्ड में ये काम आते हैं, और जहां पे कि कुछ प्रोसेस चल रही होती है, यूटिलिटी फील्ड है, वहां पे इसके इक्विपमेंट और इसके प्रोडक्ट काम आते हैं दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों ये फूड प्रोडक्ट फील्ड में भी काम करती है कंपनी। चलिए देख लेते हैं दोस्तों इसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। करंट मार्केट कैप है दोस्तों इसका 94 करोड़ रुपए से ऊपर का। प्राइस टू अर्निंग रेशियो सिंगल डिजिट में दोस्तों, अगेन 5.6 का। करंट प्राइस चल रहा है 235 रुपए पर इक्विटी शेयर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है दोस्तों इसने 14% का, और 52 वीक का हाई इसने बनाया था 531 का, और लो बनाया है दोस्तों 222 का। एक चीज यहां पे नोटिस कीजिएगा दोस्तों, ये जो कंपनी है अभी अपने 52 वीक के लो पे है, यानी कि लो इसने बनाया था 222 और अभी चल रही है 235 पे दोस्तों। तो यानी कि 52 वीक के लो पे है, अपने हाई से इसने लगभग -50% के रिटर्न दिए हैं, क्योंकि जो स्मॉल कैप है वो सारे गिरते ही चले जा रहे हैं दोस्तों। अभी उनमें रिकवरी का शाइन नहीं देखा गया है, लेकिन आने वाले समय में दोस्तों जब रिकवरी आएगी तो ये कंपनियां काफी अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, रिटर्न ऑन इक्विटी इसने दिया है 10% का दोस्तों, और डिविडेंड यील्ड देख लीजिए दोस्तों, स्मॉल कैप कंपनी और इतना अच्छा डिविडेंड यील्ड बहुत कम देखने को मिलेगा दोस्तों आपको, 2.07% का है, जो मेरा थ्रेशोल्ड है दोस्तों 1% का, उससे 2 गुना डिविडेंड यील्ड इसकी है दोस्तों। ईपीएस है दोस्तों इसका 41 का, यहाँ पे देख लीजिए आप कितना ज्यादा इसका ईपीएस है फ्रेंड्स, 41 रुपीज पर इक्विटी शेयर, इतना इसकी अर्निंग है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे, इसकी जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई थी दोस्तों 3 अप्रैल 2020 को 4,137 शेयर इसके ट्रेड हुए थे, जिसमें से कि डिलीवरेबल थे दोस्तों 824 शेयर, और डिलीवरी का परसेंटेज था दोस्तों 19.92%, जो कि बहुत ही खराब है दोस्तों। एटलीस्ट 50%, नहीं तो 40% तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी डिलीवरी नहीं उठाई गई है दोस्तों। मैं ये बता देता हूँ दोस्तों, स्मॉल कैप 2018 से पिटते ही चले जा रहे हैं दोस्तों, वहां पे रिकवरी का कोई भी साइन नहीं दिख रहा है अभी तक, और कंटिन्यूअसली डाउनफॉल है स्मॉल कैप में, इस वजह से यहाँ पे अभी कोई रिस्क नहीं ले रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूंगा कि आप लोग इन पे नजर रखिए, अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, ध्यान रखिए कि कहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और वहां आप इन शेयर को लपक लीजिए दोस्तों, जो कि आपको मल्टीबैगर रिटर्न देंगे आने वाले 3 या 5 सालों में दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों, इसने पिछले 5 साल में किस तरह के रिटर्न दिए अपने शेयर होल्डर को,
ये रहा दोस्तों इसका 5 साल का पैटर्न। 5 साल पहले यानी कि 2015 में दोस्तों ये ट्रेड कर रहा था 263 पे, मान लीजिए दोस्तों 250 रुपये पे मान लेते हैं इसे, और लगभग अभी ये ट्रेड कर रहा है दोस्तों 235 के करीब। अगर पूरा 5 साल का रिटर्न देखा जाए तो दोस्तों इसने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। वहीं जब स्मॉल कैप का पीक चल रहा था दोस्तों 2018 का, तो देख लेते हैं 250 रुपये से लेकर ये पहुंच गया था दोस्तों 500 रुपए पे ये पहुंच गया था। यानी कि 3 सालों में ही इस कंपनी ने भी अपने शेयर होल्डर के पैसों को डबल कर दिया था, यानी कि 100% का रिटर्न दे दिया था दोस्तों केवल 3 सालों में, जो कि बहुत अच्छी कंपनी का एक साइन है। फिर आगे चल के 2020 के जनवरी से लेकर कंटिन्यूअसली ये फॉल दिखाई दे रहा है, जो कि कोरोना वायरस की वजह से जो मार्केट गिरा हुआ है इन कंपनियों में भी दोस्तों फॉल देखने के लिए मिला है। मेरा ये मानना है दोस्तों, जितनी भी स्मॉल कैप कंपनियां मैं आपको बताऊंगा, 2015 से लेकर 2018 तक का उनका रिटर्न बहुत अच्छा रहेगा, और 2018 के बाद उनमें कंटिन्यूअसली डाउनफॉल दिखाई देगा दोस्तों। ये पैटर्न सारी कंपनियों में दिखाई देगा जितनी भी स्मॉल कैप कंपनियां हैं, क्योंकि 2018 उनका पीक था दोस्तों, और उसके बाद उनमें कंटिन्यूअसली फॉल देखने को मिला है और रिकवरी अभी तक नहीं हुई है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हमने देखी ये दो कंपनियां, KRBL लिमिटेड और माजदा लिमिटेड दोस्तों। ये स्मॉल कैप कंपनियां हैं जो कि फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकती हैं, और पिछले 5 सालों में इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को अच्छे रिटर्न दिए हैं दोस्तों, जब पीक टाइम चल रहा था स्मॉल कैप का। जब रिकवरी होगी दोस्तों स्मॉल कैप्स में, स्मॉल कैप्स स्टॉक्स में, तो ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छा रिटर्न देंगे अपने शेयर होल्डर्स को दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जो वीडियो दोस्तों मैंने ये बनाया था ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए था। किसी भी शेयर को बाय और सेल करने से पहले दोस्तों अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अपनी एनालिसिस भी कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।